किसान भाइयों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूँ की वैरायटी के बारे में। आपको मेरे वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, आपको मैं दो प्रकार की वैरायटी बता रहा हूँ। एक कंपनी का नाम रासी है और उसका ब्रांड नेम स्पार्क गोल्ड है। रासी के नाम से एक वैरायटी है, ब्रांड नेम स्पार्क गोल्ड है। और सेकंड वैरायटी की बात करते हैं, श्री राम का है, श्री राम सुपर 231, यह कंपनी श्री राम की है। ठीक है दोस्तों, दोनों की रेट की हम बात करते हैं तो दोनों की रेट में 2000 रासी का है तो 2000 रुपये श्री राम सुपर 231 का है। दोस्तों दोनों की विशेषता सेम है। अगर आप रोटी के लिए गेहूं बोना चाहते हो, सेल नहीं करना चाहते हो, बेचना नहीं चाहते हो, तो आप ये दोनों वेराइटी ले जाओ तो आपको इसमें अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। दोनों की विशेषता मैं बता देता हूँ। गेहूं बड़े होने के बाद जब इसमें डांगिया आ जाएगी तब डांगिया इसमें लंबी रहेगी। हम पौधे की बात करते हैं तो पौधा बहुत बड़ा ग्रोथ करेगा और पौधा मजबूत रहेगा। हम इसके ग्रोथ की बात करते हैं तो ये जब पौधा बड़ा होगा तब ये फुटान ज़्यादा करेगा। आप इसकी खेत में बुआई करते हो तब गेहूं की बुआई आप कमी करें ताकि वह फुटान ज़्यादा करे। और दोस्तों इनकी विशेषता यही है, जब हवा चलेगी तब ये दोनों प्रकार की जो वैरायटी हैं दोनों अड्डे नहीं पड़ेंगे और अच्छी खासी आपको रोटी खाने के लिए ये गेहूँ दोनों प्रकार के अच्छे आपको मिलेंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ समय पर बुआई के लिए इस पैकेट की बीज की मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। देरी से बुआई के लिए बीज की मात्रा को 20% की दर से बढ़ा देवे। अगर आप समय पर बुआई करते हो तो 1 बीघे में मतलब 1 एकड़ में 1 कट्टा ठीक रहेगा। और अगर आप दीपावली के 15-20 दिन बाद आप अगर इसकी बुआई करते हो तो थोड़ी इसकी 20% बीज बढ़ा दीजिए ताकि आपको सही से खेत में उग जाए और अच्छा रहे। तो किसान भाई यही था, मैंने दोनों गेहूं की वैरायटी बताई है। एक रासी कंपनी का स्पार्क गोल्ड है और दूसरा श्री राम कंपनी का 231 गेहूँ का बीज है। दोनों गेहूँ हैं, दोनों ही कंपनियाँ अलग अलग हैं। आप गेहूँ बोकर देखिए, आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये कट्टे की बात करते हैं तो 20-20 किलो के दोनों कंपनियों के कट्टे हैं जो 1 एकड़ में पर्याप्त मात्रा में आपको अनुमानित से आपको सीड ड्रिल से बोई करते हो तो 1 एकड़ में 1 कट्टा पर्याप्त रहेगा। तो आप इसका उपयोग करके देखिए। यह कट्टे मैं अपने सिंगोली के पास में मैंने अभी नई दुकान का उद्घाटन किया है उसमें आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों आइए, आप कट्टे भी ले जाइए और अपने विश्वास करके रखिए। हम पर हम आपका विश्वास तोड़ेंगे नहीं। और दोस्तों दोनों कंपनियां हैं, आइए ले जाइए। सिंगोली में थाने के पास में श्री कृष्णा खाट बीज भंडार। तो धन्यवाद किसान भाइयों, हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। और दोस्तों एक और मेरा चैनल है जो कि मंडी भाव के नाम से है तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो धन्यवाद किसान भाइयों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।